पहला न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे, नाइदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करे नॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट करे, दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि एफ प्लस जी और एफ इंटू जी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? सोचो अपने लोगों को ना दो फंक्शन दिए गए, पहला फंक्शन एफ एक्स दूसरा फंक्शन जी एक्स, या और शॉर्ट में कहें तो पहला फंक्शन एफ दूसरा फंक्शन जी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू द ए एफ नॉट एग्जिस्ट ये भी कह दिया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स ये भी कैसा हुआ नॉट एग्जिस्ट, ना तो एफ की लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर है ना तो जी की लिमिट, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती। पूछ ही रहा है एफ प्लस जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? फिर साथ में पूछ रहा है एफ इंटू जी के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? सेम एक्स अप्रोचेस टू द ए पर। चलिए शुरुआत किया जाए, सीधा सा जवाब है कि अगर ऐसा हो रहा है कि लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप कह दो कि एफ प्लस जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कर सकता है, ठीक कर भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें पॉसिबल हैं। ठीक शुरुआत करते हैं लिखना। अच्छा अगर ऐसा है, ये याद रखना, अगर कोई चीज ऐसी है कि ना तो एफ एग्जिस्ट कर रहा है ना तो जी की लिमिट, ना तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट किया ना तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स एग्जिस्ट किया, और तब ऐसी सिचुएशन में अगर एफ प्लस जी भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात गारंटी है कि ना तो एफ एग्जिस्ट करेगा ना तो जी की लिमिट आएगी, तो एफ प्लस जी की भी लिमिट नहीं आएगी, अगर ऐसी बात है तो आपको इसको बाकायदा बाय थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बट लिमिट एफ प्लस जी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब आप कह रहे हो ये हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल इसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल, कि इनकी बात को काउंटर करना। तो आप ये कहोगे कि देखो हमने एक फंक्शन एफ एक्स चुना उसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर नहीं आ रही, एक फंक्शन जी एक्स चुना उसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर नहीं आ रही, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ करके नया फंक्शन एफ प्लस जी बनाते हैं उसकी लिमिट आ जाती है। तो आप इनकी कही गई बात का जवाब दे रहे हो कि भले लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट ऑफ जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट लेकिन एफ प्लस जी की लिमिट आ जाती है। क्लियर हुई बातें? चलो शुरुआत करते हैं। दो फंक्शन मानना, सबसे पहले एफ एक्स लेना, टेक एफ एक्स बराबर सॉल्यूशन, टेक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स, फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स, और दूसरा फंक्शन जी एक्स ले लो इसका नेगेटिव एंड जी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वन बाई एक्स, और ये फंक्शन आप तब ले रहे हो ना व्हेनेवर जब कभी व्हेनेवर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर आपने एक्स बराबर जीरो कर दिया तो सोचो आप क्या लिख लो, साइन वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड चीजें हैं कि नहीं, वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड के ऊपर साइन का फंक्शन अप्लाई करो तो क्या डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड रहा, तो इसीलिए हम लोग आगे बात लिख देते हैं व्हेनेवर एक्स डज नॉट इक्वल टू कितना हो गया जीरो। ठीक स्पष्ट बात है, ना तो इसकी ना तो इसकी, दोनों की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, करके देख सकते हो इंटरमीडिएट में कहीं पर साइन वन अपॉन एक्स की लिमिट कभी निकाले हुए हो कि नहीं, कभी कभी नहीं निकाले, अरे हो नहीं सकता, हम लोग निकाले तुम लोग कैसे नहीं निकाले, तो जमाना और आ गया, नहीं वो जो तुम बोल रही हो वो तो भाई होगी साइन एक्स अपॉन एक्स का पार्ट ना, साइन वन अपॉन एक्स का फॉर्म में आता था मास्टरमाइंड की किताबों में, हमको अभी भी याद है वहां पर ये लिमिट बाकायदा दी जाती थी निकालने को, हर्षोर शर्मा और प्रीति हमको नहीं याद है उनकी किताब में होती थी, लेकिन मास्टरमाइंड की किताब में लिमिट मिलती थी और वहां पर साफ सुथरा होता था दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ना तो ऊपर वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी एफ एक्स की ना तो जी एक्स की एग्जिस्ट करेगी। ठीक रुको तुमसे काम करवाया पड़ेगा, वीडियो देखते हैं दो मिनट, लिखना क्लियरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो साइन वन अपॉन एक्स, अरे उल्टा लिखिए एफ एक्स एंड जी एक्स, क्लियरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो जी ऑफ एक्स डू नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है,
जिनको बाद में भूलने का डर हो वो लोग वहीं पर कैलकुलेशन कर दें ऐसे इस तरीके से, ठीक। लिमिट x अप्रोचेस टू द जीरो साइन वन अपॉन x, एक का करके यहां दिखा दे रहे, दूसरे वाले में बस खाली माइनस साइन की बात है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द जीरो। अच्छा सुनो, x अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो नहीं है, इसलिए आप वन अपॉन x से मल्टीप्लाई, वन अपॉन x से डिवाइड कर सकते हो। मुझको हमेशा खुली छूट है, अगर कोई नंबर नॉन जीरो है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर वो नंबर जीरो हो गया तो ना तो उससे मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है लेकिन डिवाइड नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग जानते हैं वन अपॉन एक्स अभी जीरो हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वन अपॉन एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन, आया ना? और सबको पता इसकी लिमिट कितनी होने वाली है, वन, यानी दिस इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो वन अपॉन एक्स, ठीक। और ऐसे करके दिखा देना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, लेफ्ट हैंड नेगेटिव वाला साइन, राइट हैंड लिमिट प्लस, ठीक। इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू द जीरो साइन वन बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सुनो, इसकी लिमिट प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ऑसिलेट करेगी, इसकी वन बाई एक्स की, इसकी मत कहना, साइन कौन होता है माइनस वन से प्लस वन के बीच दौड़ता है, तो इसकी कोई पूछे ना तो इसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट माइनस वन से प्लस वन तक के बीच में ऑसिलेट हो रही है, क्लियर है? तो इसका मत बोलना, ये कभी इंफिनिटी भाग भी नहीं सकता, इसको इंफिनिटी भगा दिया तब तो पता चलेगा त्राहिमाम हो गया, ये कॉम्प्लेक्स की दुनिया में जा सकता है, कॉम्प्लेक्स की दुनिया में साइन का फंक्शन माइनस वन से प्लस वन के बीच में बदलता नहीं है, लेकिन अपने कौन पढ़ रहे हैं, रियल में पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए ये दौड़ेगा कहां से, माइनस वन से प्लस वन के बीच में ऑसिलेट करेगा। इसको निकालने के लिए मैं टूल की सहायता लिए, वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स, तो टूल जो था वो टूल के साथ पूरी लिमिट लेकर के आएंगे किस पर, वन पर, तो ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी गया, ठीक। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट किसके लिए, किसके लिए, एफएक्स के लिए, जो आपका पहला फंक्शन है एफएक्स उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, और साफ पता है एफएक्स की ही टू कॉपी कौन है, जीएक्स, तो इसके लिए भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब नाइदर लिमिट एग्जिस्ट ऑफ एफएक्स नॉर लिमिट फॉर जीएक्स, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं किया, बट एफ प्लस जी उसके लिए चेक करके देखते हैं, इतना लिख करके ब्रैकेट बंद कर देना। बोले बट, लेकिन, बट लिमिट x अप्रोचेस टू द जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो, इज इक्वल टू कितना, जीरो, क्यों, सिंस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो, और ये कैसा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक। आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई कि नहीं, यही आगे लिख देना एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है, पहली बात तय हो चुकी है। पहली बात हमने ये कहा कि अगर आप फंक्शन fx को साइन वन बाई एक्स लेंगे और gx को माइनस साइन वन बाई एक्स ले रहे हैं तो आपको ये नजर आ रहा है कि ना तो fx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना तो gx की, लेकिन उसके बावजूद जब दोनों को ऐड किया गया तो fx plus gx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब पहले हिस्से का जवाब मिल चुका है, क्लियर। दूसरे हिस्से की जवाब की तलाश है, ना तो fx की लिमिट एग्जिस्ट करे, ध्यान देना फिर फंक्शन मानेंगे, ना तो fx की लिमिट एग्जिस्ट करे ना तो gx की लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन पूछा है क्या इनटू में आप क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट करने पर लिमिट आएगी या नहीं आएगी, आओ उसको भी देख लेते हैं, सब लोग लिख लो फिर आगे पढ़े, जो लोग बाद में आए वो लोग भी लिखें फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, अपने लोग इसको निपटाएं तब कंटिन्यूटी में आए। अगेन टेक, फिर से एक बार लेते हैं, अगेन टेक, अगेन टेक, चालाकी से लेते हैं, सुनो चालाकी क्या है, अपने को ये कहना ना लिमिट fx की एग्जिस्ट ना करे, लिमिट gx की भी एग्जिस्ट ना करे, इतने तो कहना है ना, ठीक है, दिमाग में यूं ही चलाओ कोई ऐसा फंक्शन ना जो दोहरी लिमिट दे सके, टुटाहा फंक्शन जो होता है दोहरी लिमिट दे सकता है, टुटाहा फंक्शन समझ रहा, दो हिस्से में बटा हुआ डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक,
वो आपको दोहरी लिमिट दे सकता है। तो गौर करना, हम ऐसा ले रहे हैं, नॉट टेक एफ एक्स इज इक्वल टू, और एक काम करो एफ एक्स और जी एक्स को दोनों को बराबर ले लो। क्या हमसे ये कहा कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर होने चाहिए या फिर डिफरेंट होने चाहिए? कुछ कहा नहीं, कहा बस वो केवल एक बात कर रहा, जब आप एफ एक्स को डिजाइन करो तो लिमिट ऑफ दी एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, जब आप जी एक्स को डिजाइन करो तो लिमिट ऑफ दी जी एक्स एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और सवाल ये है कि दोनों को डिजाइन करने के बाद अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो क्या उस प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? इतने तो है, देखो कैसे डिफाइन करते हैं। लेट एफ एक्स बराबर जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन कुछ मारे टू वेन एक्स बिलोंग टू द कैपिटल क्यू माइनस टू वेन एक्स बिलोंग टू द कैपिटल क्यू का डिफाइन करते हैं। हाँ ना, अरे कंफ्यूज, सुनो ये फंक्शन ऐसा है, फंक्शन कहता है जब जब मेरे अंदर में आप रेशनल नंबर डालोगे रेशनल, तो हम आपको रिजल्ट में कितना देंगे? टू देंगे। आप बोलो रेशनल क्या होता है? 1 by 2 rational है, तो f of 1 by 2 की value कितनी आएगी? 2. 1 by 3 rational है, f of 1 by 3 की value कितनी आएगी? 2 आएगी। अब की बार बोलना, under root 3 rational है? नहीं, irrational है ना? तो आपके अंदर में डालो f of under root 3, irrational पढ़ रहा है, तो आंसर क्या देगा? Minus 2 देगा। पल्ले पड़ी बात, कैसे function defined है? और fx और gx दोनों को बराबर मान लिया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, अब गौर करना। अगर ऐसा है, तो सोचो, then लिमिट x अप्रोचेस टू द a का मतलब ना कोई भी पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 3, क्योंकि आज बोलते हैं मेरा फंक्शन हर पॉइंट पर डिफाइंड है। ये पूरी की पूरी रियल की दुनिया कितने लोगों से बनी हुई है? रियल नंबर की दुनिया कितने तरह के नंबर से बनी है? बेसिकली दो तरह के नंबर से, एक कौन रेशनल, दूसरा कौन इरेशनल। और आप सब पर अपने फंक्शन को डिफाइन कर दिए। आपने कहा रेशनल भरोगे तो जवाब में कितना देंगे? 2। इरेशनल भरोगे तो जवाब में कितना देंगे? -2। दुनिया में रेशनल इरेशनल दो ये तो रियल नंबर होते हैं, और सबको बना के आप सारे रियल नंबर बना देते हो, तो सारे रियल नंबर पर आपके दोनों फंक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं? अरे मानते हो इस बात को? क्लियर है? इसका मतलब x approaches to a, a कुछ भी रहे मेरे फंक्शन हमेशा वेल डिफाइंड देता रहेगा। अब इस लिमिट की बात करें, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? लिखना लिमिट x approaches to a fx and gx, fx and limit x approaches to the a g of x, ठीक, both does not exist। क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। both does not exist, ये दो की दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और सोच करके जवाब दे सकते हो क्यों नहीं करेगी? सोच करके जवाब दे सकते हो क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? आप यूनिक लिमिट की बात ही नहीं कर सकते, दिमाग चलाना। ये बताओ, चलो पर्टिकुलर केस में आते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू द 3, और पर्टिकुलर लिमिट x अप्रोचेस टू द 3 फंक्शन fx बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू द 3। जरा फिगर में देखना, एक बार लेफ्ट से पढ़ोगे एक बार राइट से। चलो पहले लेफ्ट से पढ़ते हैं, x अप्रोचेस टू द 3, राइट से आओ x अप्रोचेस टू द 3। लेकिन ये बताओ x तो वो नंबर है ना जो धीमे धीमे चलते चलते 3 की तरफ बढ़ रहा है, 3 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब x चलते चलते 3 की तरफ आएगा, उस दौरान वो एक दो नहीं इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल के बीच से दौड़ रहा होगा कि नहीं दौड़ रहा होगा? हाँ या ना? इसका मतलब अगर हम इसको वहां लेकर के जाना चाहें जहां हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो जरा सोचो हम लोग क्या लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं, बोलना, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू द 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कितना होता है f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, और यहां पर क्या लिखते हैं f ऑफ बोलो 3 माइनस h, यही तो लिखते कि कुछ और लिखते? अब ये बताओ लिमिट कितनी आती? 3। लिमिट कितनी आती? 3। कह पाओगे? कह पाओगे? सोच करके जवाब दो, कह पाओगे? हम रुके हुए हैं, कितना आएगा? तो पक्का ये बताओ, क्या तुमको पता है एच कौन था? क्या तुमको पता है एच कौन था?
तुमने कहा h approaches to the zero, h is equal to zero तो नहीं है ना, equal to zero तो हम पट्टे से रख देते हैं, equal to zero पर तो मुझको पता चलता अंदर में आप rational डाल रहे हो, लेकिन h is not equal to zero, h approaches to the zero, और जब कोई चीज approach कर रही है zero की तरफ, यहाँ आना, इस पर भी आओ, x tending to the three, x तीन की तरफ बढ़ रहा है, तीन तो नहीं हुआ है, कि तीन हो गया है, approach कर रहा है, अच्छा x तीन की तरफ approach कर रहा है, उस दौरान ये बताओ दो रियल नंबर के बीच में कुल कितने रेशनल आते हैं, इनफाइनाइट, कुल कितने इरेशनल आते हैं, तो क्या आपको पता है कि आप x बराबर रेशनल डाल रहे हो या इरेशनल, कहीं पता है नहीं, तो आपको यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि अंदर में रेशनल पड़ेगा कि इरेशनल पड़ेगा, कुछ पता है नहीं, जब आपको अंदर में रेशनल इरेशनल कुछ नहीं पता तो बाहर आपका आंसर क्या आएगा, क्या आपको पता है नहीं, बस आपको इतना पता है या तो मेरा आंसर दो आएगा या तो मेरा आंसर माइनस टू, लिमिट क्या होती है, लिमिट यूनिक होती है, और आप वहां को हमें फंस गए हो, आप कह रहे हो यार पता नहीं एक्स अप्रोच कर रहा है तीन की तरफ, जैसे जैसे एक्स तीन की तरफ बढ़ रहा है वो रेशनल इरेशनल सबको टच करता हुआ पार करेगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो क्या आप, आपका फंक्शन ही ऐसा डिफाइंड है कि आप बिना सोचे समझे भर नहीं सकते, आप बिना सोचे समझे नहीं भर सकते, कह रहा है एक्स रेशनल भरोगे तो दो मिलेगा, इरेशनल भरोगे तो माइनस दो मिलेगा, और एक्स अपने बारे में बता ही नहीं रहा, एक्स कह रहा है हम अप्रोच कर रहे हैं तीन की तरफ, अप्रोच कर रहे हैं चार की तरफ, अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ, जहां मर्जी वहां अप्रोच कराओ, इन जनरल एक्स अप्रोचेस टू द एनी नंबर ए, यही तो बात आई, अच्छा अब एक्स अप्रोचेस टू द ए है तो गौर करो, एक्स अप्रोचेस टू द ए, तुम्हारा मन यही कर रहा ना, अरे हम आज तक रखते आए हैं एक्स बराबर ए, रख देते हैं, रख दो ना तुम्हें, लो तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट, सीधे रख रहे हैं सीधे, छोड़ो ये सब हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड का बवाले नहीं पा रहे, हम सीधे वैल्यू रख रहे हैं, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तुमको पता है दो और पता है क्या माइनस टू, रखो एक्स बराबर ए, रखो एक्स बराबर ए, रख दो एफ ऑफ ए, रखना चाहोगे तो यही ना, आप बोलो क्या लोगे ये या ये, क्या लोगे, क्या तुमको ए के बारे में पता है रेशनल या इरेशनल, नहीं पता, जब ए के बारे में नेचर नहीं पता तो आंसर क्या लोगे ये पता है नहीं पता है, और ए कौन सा पॉइंट है कोई भी, तो चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो ना, एक्स अप्रोचेस टू ए है, जिस दौरान एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है उस दौरान वो एक तो नहीं, हर बार रेशनल इरेशनल रेशनल, ये बताओ तीन के जस्ट बाद का नंबर क्या है, बता सकते हैं मुझको तीन के जस्ट बाद का नंबर, कुछ कह सकते हो तीन के जस्ट बाद के नंबर के बारे में, तीन के जस्ट बाद आने वाला नंबर क्या है, अच्छा पांच के जस्ट बाद आने वाले नंबर कौन होंगे, बता सकते हो नहीं, एक बात कोई ऐसी बता दो कि पांच के जस्ट बाद क्या आएगा, अरे काहे नहीं बता सकते आप, नहीं पांच के जस्ट बाद क्या आएगा आप वो नहीं बता सकते, लेकिन आप पांच के जानते, पांच कौन है रेशनल, तो उसके जस्ट बाद कौन आएगा, इरेशनल, ये तो बता सकते हो ना, लेकिन कौन इरेशनल आएगा वो आप नहीं बता सकते हो, तो अब जब ना एक्स अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ, ए कोई भी जनरल पॉइंट है, उस दौरान एक्स एक दो वैल्यू नहीं, हर बार रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल ले रहा है, तो आप खुद नहीं तय कर पाओगे कि आप प्लस टू लोगे या माइनस टू लोगे, क्लियर हुआ, इसीलिए ये लिमिट आप हमेशा क्या लिख दोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ये बात सबको दिमाग में आ रही है, अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना नहीं आ रही है फिर बोलो कुछ और ले, कितना साइन बार अपॉन एक्स लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों प्रोडक्ट कितना आएगा बेबी, माइनस साइन स्क्वायर वन बाई एक्स आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में लिमिट नहीं एग्जिस्ट किया, अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, वो ये थोड़ी कह रहा है, वो कह रहा है एफ एक्स की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, जी एक्स की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, क्या आप ये कह दोगे कि एफ प्लस जी की भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्या आप ये कह दोगे कि f into g की भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, और मेरा जवाब है हम दोनों ही नहीं कह सकते, ना तो हम ये कह सकते हैं कि neither f limit exists neither the limit of g exists then f plus g's limit does not exist, हम ये नहीं कह सकते, वो लिमिट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, तो हम इसी बात को साबित करिए, तो मुझको बताइए कि अगर हम वही फंक्शन वापस ले लें अब प्रोडक्ट कर दें, पहले भी लिमिट नहीं आ रही थी अब भी नहीं आ रही है, तो नहीं आएगी, लेकिन हमको ये भी तो कहना आ भी सकती है, ये भी तो कहना आ भी सकती है, तो हमसे कहो सर आपको हम खाना खिलाएं आपकी भूख खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी, यही कहो सर हम आपको खाना खिलाएं आपकी भूख खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी, हम कुछ कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, अरे क्या पता तुम हमको खाली रोटी के एक टुकड़ा खिलाओ, लेकिन सर उसको
दिया अब क्या पता तुम हमको चार चार रोटी खिलाओ, दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इसका मतलब खत्म हो भी सकती है और नहीं भी। तो हम आपसे कह रहे हैं लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट ऑफ एफ प्लस जी क्या लिखे, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अच्छा, लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एफ इन टू जी मस्ट एग्जिस्ट, नहीं, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी। इससे उस फंक्शन में वही अगर प्रोडक्ट करोगी तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो जवाब क्या दोगी, जवाब तो तुमको यही देना है, जवाब कंफर्मेशन में देना है कि आप कुछ तो बता सको, उससे मुझको केवल एक रीजन मिल रहा है, नहीं करेगी, नहीं करेगी। लेकिन अब हम साबित करने जा रहे हैं ना, कर भी सकती है, कर भी सकती है। अब जरा दोनों का प्रोडक्ट लगाओ, एफ जी का प्रोडक्ट लगाओ, अभी तुमको खुद पता चलेगा, प्रोडक्ट लगाओ। अरे तुम लोग फंसे हो, रुको, प्रोडक्ट लगाओ, एफ ऑफ एक्स देखना, एफ ऑफ एक्स कौन है, तो पहले एफ ऑफ एक्स बोलो भैया, टू जब एक्स बिलोंग टू क्यू और माइनस टू जब एक्स बिलोंग टू द क्यू का, यही हुआ। जी ऑफ एक्स बोलो, जी ऑफ एक्स, अब बोल रहे नहीं करोगे मेरे साथ, टू जब एक्स बिलोंग टू क्यू और माइनस टू जब एक्स बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, यही ना। जरा प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करो, बोलो कितना आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू दो दूनी चार, कब, जब एक्स बिलोंग टू क्यू और माइनस टू इंटू माइनस टू फोर, जब एक्स बिलोंग टू क्यू, कौन इतना बवाल पालता, सीधे लिखो फोर व्हेन एक्स बिलोंग टू, क्या कांस्टेंट फंक्शन आया कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर दिया, कर गई कि नहीं। और जबकि अगर हम पुराना वाला साइन वन अपॉन एक्स और माइनस साइन वन अपॉन एक्स माने तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, तब नहीं करेगी। तो इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, फंक्शन जी एक्स की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि एफ प्लस जी की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि एफ इंटू जी की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। मतलब आप अंधी ना चलाइए, आप उसको देख करके इसके बारे में कोई डिसीजन मत लीजिए, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अभी क्लियर हुआ साक्षी, बस यही दिखाने का मतलब है। ये तो हमने पहला फंक्शन ले लिया, पहले फंक्शन में प्रोडक्ट करेंगे नहीं आएगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो अब हमको साबित करना ना प्रोडक्ट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और उससे मेरा काम बनता ना, तो हम इसको ले लिए। तुमको बहुत दिक्कत लग रही, तुम प्लस वन माइनस ले लो, थ्री ले लो, माइनस थ्री ले लो, हर बार यही काम करेंगे। क्लियर हुआ, ये जाने की लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू द ए हो रहा है, तो वो रेशनल इरेशनल दोनों से होके आ रहा है, तो आपको नहीं पता है आपका आउटपुट क्या आने वाला है, प्लस टू या माइनस टू, वो बार बार दोनों आता रहेगा जैसे आप कंडीशन डालोगे। लिखना लगे कहां तक लिखा है, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके बाद लिखना, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, बट लेकिन, बट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए fx into gx is equal to, क्या हम पहले प्रोडक्ट करके लिखें या हम सीधे 4 लिखने की कोशिश करेंगे, 4 लिखें चलेगा, दिक्कत लग रही है, हमदान रे भूलोगे बात, जल्दबाजी में भूल जाओ, ये इधर fx is equal to x belong to माइनस टू एक्स बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, यही बगल में जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स बिलोंग टू क्यू माइनस टू एक्स बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, फोर जब एक्स बिलोंग टू क्यू और फोर जब एक्स बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाइज दैट सेट लगा है ना, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू फोर जब एक्स बिलोंग टू, फंक्शन डिफाइन हो गया, या फॉर ऑल एक्स कर दो, अगर तुमको ये आज खराब लगता है तो फॉर ऑल एक्स कर दो, एक्स की वैल्यू जो मर्जी आप दो ले लो, जो मर्जी आप दे लो, लेकिन आपको दोनों के प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलेगा, चार मिलेगा। अब तो लिमिट एग्जिस्ट की, कांस्टेंट फंक्शन आया, यार तुम लोग ऐसे एकदम चुपके साथ ही बैठ जाते ना, अपने को तक कुछ नहीं आ रहा, भगवान कसम बोलो कुछ नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताओ, सही लिमिट विमिट नहीं आ रही है, तो कहा तुम लोग इतना खामोशी करते, अभी तो तुम लोग बराबर बराबर बोल रहे थे जब उधर पार्ट थर्ड ईयर,
नहीं अब तुम लोगों नहीं आ रहा जबरदस्ती अपने शब्द तुम्हारे में बैठ फोर्स हुआ अभी बताओ सुनो इसका जवाब सुनो ए न्यूमेरिकल पढ़ो क्या क्या है लिमिट ऑफ दिस एंड लिमिट ऑफ दिस डू नॉट एग्जिस्ट टाइम लिमिट ऑफ दिस एंड लिमिट ऑफ दिस एग्जिस्ट टाइम क्या इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है तो जवाब क्या दे हाँ या ना हाँ हाँ इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है वर्डिंग सुना सकती है कंफर्म होगी ये कोई गारंटी नहीं है लिखना सो आंसर इज यस इतना लिखने के बाद सो आंसर इज यस सो आंसर इज यस इसलिए जवाब होगा हाँ ऐसे भी तुम लोग ना इससे देखना चाहो ये बताओ एक्स को रेशनल चुनो रेशनल अगर आप अंदर में रेशनल डाल रहे हो तो ये भी तो एक्स वही सेम टू सेम है रेशनल रेशनल पड़ा बाहर क्या आया इधर से टू दो दूनी रेशनल लो एक्स से इरेशनल 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 कितना आया माइनस टू इसका कितना आया माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस अगेन वही आया कॉन्स्टेंट फंक्शन चार तो इसका मतलब हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है ठीक अब ये सवाल ना खाली पूछा था कर सकती है बस इतना तो हमने हाँ में जवाब दे दिया लेकिन तुम लोग इसको जनरलाइज मत कर लेना ये एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है दोनों बातें हैं तो आप कभी भी कुछ कह नहीं सकते हो जैसा फंक्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग व्यवहार करेंगे कंफर्म हुआ चले अगले न्यूमेरिकल पर हटाया जाए हटाया जाए अच्छा कॉलेज में क्या लिमिट पढ़ा दी गई है कि नहीं पढ़िए पढ़ा दी गई है सब लोग पढ़े हुए हो कॉलेज गए हुए थे कि नहीं जब लिमिट पढ़ाई जा रही है नहीं गए थे तुम लोग लिमिट क्या ना हम बुलाए थे हम नहीं बुलाए थे ये शुरुआत का मामला रहा उसी दिन शुरू उसी दिन खत्म ना तुम लोग ये सब नहीं आया था लिमिट में ये सारी चर्चा नहीं आई थी प्रॉब्लम नोट करना अगली प्रॉब्लम लिखो इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए फंक्शन एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए fx plus gx gx if both exist must limit x approaches to a g of x exist सोचो पिछले में क्या पूछा था कितना उल्टे पुल्टे पूछा है पिछले में हम लोगों से पूछा पहले न्यूमेरिकल में कि लिमिट ऑफ एफएक्स नहीं एग्जिस्ट करती लिमिट ऑफ जीएक्स नहीं एग्जिस्ट करती तो लिमिट ऑफ एफएक्स प्लस जीएक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है मेरा ख्याल है कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है फिर इन्होंने कहा लिमिट एफएक्स इनटू जीएक्स क्या वो एग्जिस्ट कर सकती है जवाब वो हां कर सकती है ना तो एफएक्स की लिमिट आई ना तो जीएक्स की लिमिट आई लेकिन उसके बावजूद भी सम की भी लिमिट आ सकती है प्रोडक्ट की भी लिमिट आ सकती है आज ये दो भाग में बांट के फिर पूछ रहा है अब ये कह रहे हैं लिमिट ऑफ एफएक्स नहीं आती है लिमिट ऑफ एफएक्स प्लस जीएक्स नहीं आती है सॉरी एग्जिस्ट बोथ एग्जिस्ट लिमिट ऑफ एफएक्स एग्जिस्ट करती है लिमिट ऑफ एफएक्स प्लस जीएक्स एग्जिस्ट करती है तो क्या गारंटी दे दोगे कि लिमिट ऑफ जीएक्स भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी अब की गारंटी मांग रहा है लिमिट ऑफ एफएक्स एग्जिस्ट करती है fx plus gx की लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या गारंटी कहो कि जो दूसरा वाला टुकड़ा जुड़ा हुआ है gx उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी चलो करके देखते हैं करेगी या नहीं करेगी हम कुछ नहीं करते पहले जब तक बिना ये विज्ञान नाम करके सीखे वाला हाल चलता है लिखना ये सुनो बात सुनो
क्या एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करने को बोल रहा है? तो मान लिया एफ एक्स की लिमिट कितनी है स्मॉल एल में। क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करने को बोल रहा है? बोल रहा है। मान लिया उसकी लिमिट एम प्लस एल या कुछ भी एम मान, सिंपल एम मान। लिखना सॉल्यूशन, लेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। भाई आप कह रहे हो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम इसकी लिमिट एल मान लेंगे। अगली बात एंड लिमिट, आप कह रहे हो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इसकी एम मान लेंगे। x approaches to the a f x plus g x is equal to कितना हो गया? दोनों की लिमिट मान। ठीक, चलो एक फंक्शन की लिमिट। अच्छा मुझको पता है अगर दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, याद करो अगर दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनके सम की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। याद आया? अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिखा है। If limit of fx is equal to l, limit of gx is equal to m, then limit of f plus g is equal to l plus m. याद आ रहा है कि नहीं? अब ये बताना, अच्छा limit of fx minus gx क्या लिखा है थे? L minus m. दोनों के function के sum की limit, उनकी अलग अलग limit का sum होता है। Function के difference की limit, उनकी अलग अलग limit का difference होता है। याद आ रहा है? तो हम लिखाई में फिर भी तुम लोग ना याद करो तो क्या होगा? ये बताओ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इधर मेरे साथ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी एग्जिस्ट करती है, तो दोनों के सम की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों की डिफरेंस की भी, और डिफरेंस की निकालते हैं। देयरफोर लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू द ए, कोई मत लिखना बस मेरी तरफ, दोनों का अंतर ले रहे एफ एक्स माइनस प्लस जी एक्स, पहला फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा अलजेब्रा के हिसाब से एम माइनस एल। अब बताओ एफ एक्स एफ एक्स उड़ गया, कितना बचा? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम माइनस एल। क्या एम फाइनाइट नंबर था? क्या एल फाइनाइट था? तो दोनों का अंतर एग्जिस्ट कर गया कि नहीं एग्जिस्ट। इसका मतलब तय हो चुका है, अगर fx की लिमिट एग्जिस्ट करती है, fx plus gx की एग्जिस्ट करती है, तो हाँ कंफर्म है, आप गारंटी दो gx की भी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। नोट कर लो। Using epsilon delta definition या using definition of limit problem, using definition of limit, using definition of limit show that using definition of limit show that limit x tending to the 0 f of x is equal to 1 when fx is equal to fx is equal to function defined as 1 plus x square if x does not equal to 0 or 0 if x is equal to 0। ये कह रहे हैं आप epsilon delta definition का इस्तेमाल कीजिए, लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए आप ये बात साबित कीजिए कि दिए गए फंक्शन fx की लिमिट 1 होगी as x approaches to the 0 होगा। फंक्शन डिफाइंड कर दिया, फंक्शन डिफाइंड है कि जब जब x की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो आपको रिजल्ट देगा 1 plus x square, और जब जब x की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट कितना देगा 0। जैसे हम कहें x बराबर 2 लिया, x बराबर 2 लोगे तो सोचो मुझको आंसर क्या मिलेगा 1 plus 2 square, x बराबर 2 नॉन जीरो है, नॉन जीरो हुआ तो x नॉन जीरो हुआ तो आंसर मिलेगा 1 plus 2 square, यानी कितना 5। अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो सोचो मिलता है 1 plus 5 square, यानी कितना 26 मिलेगा।
लेकिन अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? 0 क्लियर हुआ ये बात? ठीक, ऐसे फंक्शन के लिए x टेंडिंग टू 0 पर मुझको लिमिट निकालनी है, और लिमिट निकालनी नहीं है, साबित करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट कुछ और नहीं होगी बल्कि कितनी होगी, और साबित भी किससे करना है? डेफिनेशन ऑफ लिमिट यानी एप्सिलॉन डेल्टा। क्या याद है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट? लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) = l when x approaches to the a if for any given epsilon greater than 0 there exists a delta such that mod of f(x) minus l less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta greater than 0। याद आया? किसी भी दिए गए epsilon के लिए ऐसे delta की मौजूदगी epsilon delta definition का verification होता है। ठीक है, चलो शुरुआत करें। यूं ही अपनी मर्जी से मान लो कि माना एप्सिलॉन को ये आर्बिट्री गिवन नंबर है, मान लिया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखना लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्री स्मॉल, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब लिखना इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर x नॉन जीरो हुआ तो हमको पता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, हम केवल एक काम करेंगे मॉड fx माइनस l तैयार करेंगे। मॉड fx माइनस l, बोलो मेरे लिए l बराबर कितना है? 1। मॉड ऑफ fx माइनस l इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx माइनस कितना? 1। This is equal to mod of fx, बोलो कितना? fx 1 plus x square minus 1 बराबर कितना? Mod of x square, this is equal to mod x का। सोच करके जवाब दो, अगर fx minus l less than epsilon होता तो इस quantity को less than कितना बैठना पड़ेगा? Epsilon बैठना पड़ेगा। पहले ये वाली line लिखो, बता पहले इतना लिखो आपके द्वारा चुने गए किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपके पास डेल्टा मौजूद होना चाहिए, यही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का बेस है। फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। सोचो वर्डिंग क्या है, फॉर एवरी, जब जब आप एप्सिलॉन चुनोगे तब तब आपको क्या मिलना चाहिए? डेल्टा। और अगर आपने एप्सिलॉन चुन लिया और आपको ऐसा डेल्टा ना मिला तब अरे मूर्छ हो गया, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो गई डेफिनेशन ना। लोगों के ऊपर ना साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ना चालू हो गया है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बारे में याद करो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपसे किस बात की गारंटी चाहती थी? वो केवल इतना चाहती थी, अगर आपके फंक्शन fx की लिमिट को l बनना है, अगर आपके फंक्शन fx की लिमिट को l बनना है तो जब भी आप एक छोटे से छोटा एप्सिलॉन चुनो तो उसके लिए आपको कौन मिल जाए? डेल्टा। कि जैसे जैसे और डेल्टा डिपेंड ऑन दी एप्सिलॉन, बड़ी वो फिगर याद है, डेल्टा कम होता था एप्सिलॉन कम होता, उल्टा बोलो एप्सिलॉन घटेगा तो डेल्टा भी घटेगा, यानी डेल्टा डिपेंड ऑन दी एप्सिलॉन, यही तो था। अब सोचो अगर हम ऐसा कह दें मुझको ऐसा कोई डेल्टा मिला ही ना, एप्सिलॉन तो हमने चुन लिया लेकिन हमको उस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ना मिला कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा बने, तो क्या डेफिनेशन पूरी हो पा रही है? इसका मतलब अब लिमिट नहीं हो सकती है। अब गौर करना, एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन ले रहे हैं किसी दिए गए एप्सिलॉन आर्बिट्री मनचाहा जो हम चुनना चाहें, ये बताओ जिस दिन आप कहोगे दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन तो आपको तय बात है ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से उसी दिन छोटी हो सकती है व्हेनेवर व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। सही है गलत? व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। एक चीज गौर करो, तुमको कुछ यहां पर अलग मिला, इसका मतलब दिस इंपैल्स लिखना मत, थोड़ा मेरे साथ मिलो, mod of fx minus 1 less than epsilon whenever
whenever mod of x minus, क्या यहां पर x माइनस जीरो लिखा गया है कि नहीं, लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन, और ये बताओ क्या यही एप्सिलॉन डेल्टा है कि नहीं, मिल गया डेल्टा कि नहीं। अब ये सोचो डिफिनेशन, याद करो डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या लिखी जाती थी, लिमिट x अप्रोचेस टू द a फंक्शन fx इज इक्वल टू l, जब कभी x अप्रोच करेगा a की तरफ तो मेरे दिए गए फंक्शन fx की लिमिट कितनी होगी, l होगी। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब मॉड ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बैठे, कब, व्हेनेवर मॉड ऑफ ये इन दोनों का डिफरेंस x माइनस a लेस देन कितना बैठे, एंड डेल्टा डिपेंड ऑन दी एप्सिलॉन। जरा अपनी निगाह में देखो, x किधर अप्रोच करवाए थे, जीरो की तरफ, तो मॉड ऑफ x माइनस जीरो, बोलो मॉड ऑफ x माइनस जीरो लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। अभी बताओ इधर एप्सिलॉन बराबर 1 बाय 2, लो लो एप्सिलॉन बराबर 1 बाय 2, तुरंत डेल्टा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। एप्सिलॉन बराबर 1 बाय 4, जितनी मर्जी उतना छोटा लो, 1 बाय 4 कितना बनेगा, और छोटा हुआ, अच्छा और छोटा मतलब ठीक है, आपको डेल्टा मिला। आप एप्सिलॉन बराबर 0.005 लो, एप्सिलॉन बराबर 0.005 कितना मिलेगा, अंडर रूट 0.005 मिला कि नहीं मिला। क्या आपके द्वारा चुने गए हर एप्सिलॉन के लिए आपको हर बार डेल्टा मिल रहा है कि नहीं, और क्या यही एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट होती है कि नहीं होती है, इसका मतलब तय हो गया फंक्शन एफएक्स की लिमिट कितनी होगी, क्योंकि आप एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन का वेरिफिकेशन पा चुके हैं। क्लियर हुआ, अब नोट करो, पहले ये बात नोट करके यहां हो गया लिखना, जैसे अच्छा नहीं लिखना, इफ एक्स टेंडिंग टू द जीरो देन देन डज द लिमिट देन डज द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एग्जिस्ट आर नॉट एग्जिस्ट आर नॉट क्वेश्चन मार्क फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स स्क्वायर when x is greater than 1। नोट, एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, और ये पूछ रहे हैं जब ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है, यानी fx बराबर x होता है जब x 0 से छोटा यानी नेगेटिव होता है, fx बराबर 1 होता है जब x बराबर 1 होता है, और fx की वैल्यू x स्क्वायर दी जाती है जब x ग्रेटर देन 1 होता है, तो आप ये बताइए इस दिए गए फंक्शन की लिमिट x tending to 0 पर exist करेगी या नहीं करेगी, यही इतना पूछा गया, सिंपल। किताब है किसी के पास यहाँ पर, कोई भी एक, कोई किताब तो
देखना ये गलत लगा है ना, x इज इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन। अरे अभी ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेने में ना नानी माई कुल याद आ जाती है, ऐसी लिमिट मान लीजिए मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट गलत सरत छापे में क्या सुधार लो। जहां लिमिट एग्जिस्ट कराने पूछ रहा है ना उसी के इर्द गिर्द तो घूमेगा, तो x टेंडिंग टू 0 पर पूछा तो इसका मतलब एक बार 0 से कम की देगा, एक बार 0 से ऊपर की देगा, ये रहा। चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम सुनो, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एट दैट पॉइंट वैल्यू की जरूरत नहीं है, मतलब हमको f एट 0 नहीं चाहिए, हमको केवल इतना चाहिए व्हेन x अप्रोचेस टू द 0 तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चाहिए। चलो निकालते हैं सॉल्यूशन, लिमिट x टेंडिंग टू द 0 प्लस, जीरो प्लस का मतलब समझ रहा ना, राइट हैंड, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, याद आया, अरे भूल गए भैया, राइट हैंड लिमिट का नोटेशन अपनी कॉपी खोल करके देखो क्या लिखा है, इन्हें कितना पढ़नी, जीरो प्लस एच तब जब रखते उसके पहले नहीं थे, तुम लोग क्या अच्छा रहे, तुम लोग मत लिखो, तुम लोग नया सिंबल इस्तेमाल करो, छोड़ो रहने, ना जान रहे तुम लोग वैसे ही त्रस्त हो पूरे तरीके से, अपने लिमिट बोलो क्या करें, एच टेंडिंग टू द जीरो और यहाँ एफ ऑफ तो बोलो साथ में जीरो प्लस यही लिखे, अच्छा एच कहां पर है, एच कौन है, एच इज ग्रेटर देन जीरो एंड वेरी स्मॉल या सफिशियंटली स्मॉल, सफिशियंटली स्मॉल, ठीक साक्षी कंफ्यूज, सर वहां पे ग्रेटर देन जब जीरो है तो जीरो प्लस करेंगे तो वहां पे एफ ऑफ एक्स होगा, तुम सीधे लिमिट पूछ रही हो हमसे, अभी हम गए कहां, अभी तुम केवल ये बहनी इधर इधर, अरे रुको रुको बहनी रुको, तुम कंफ्यूज हो गए, इधर आओ इधर, फंक्शन के पास आओ, फंक्शन कहीं चला होगा ये ऐसा ऐसा जो भी फंक्शन है, ये बताओ x बढ़ रहा है हम कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, कौन सी RHL या LHL, राइट हैंड लिमिट निकालना है, इसका मतलब x किधर से बढ़ा होगा, राइट साइड से किसकी तरफ, जीरो की तरफ, तो x यहां कहीं रहा होगा, इससे बढ़ रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ, क्लियर हुआ, इसलिए हमने लिखा x approaches to the zero plus, प्लस का साइन बताता है कहां से आ रहे हो, राइट साइड से, अच्छा राइट साइड से आ रहे हो, ये बताओ जीरो के ठीक पहले कोई क्वांटिटी रही होगी तो वो जीरो प्लस एच रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी, क्लियर हुआ, और एच को अप्रोच करा दो, एच टेंडिंग टू द कितना जीरो, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो यहाँ पूरे में जो एफ ऑफ एक्स था उसकी जगह पर हमने कितना रख दिया, जीरो प्लस एच रख दिया, क्लियर हुआ, जीरो प्लस एच और एच टेंडिंग टू कितना करा दिया है, जीरो करा दिया है, अब ये बताओ दिस इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, जीरो प्लस एच लिख रहे हैं ना, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़ा, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़ा, ये बताओ इनपुट जीरो से बड़ा होगा, इनपुट कौन है एक्स, जीरो से बड़ा होगा तो आंसर क्या देगा, एक्स स्क्वायर का मतलब जो अंदर पड़ा है उसी का स्क्वायर, अंदर कौन पड़ा है, जीरो प्लस एच मतलब एच पड़ा है, तो यहाँ कौन होगा एच स्क्वायर, और बाहर लगेगी लिमिट एच टेंडिंग टू द जीरो, ठीक है, और लिमिट एच टेंडिंग टू द जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी बना कि नहीं, अगला सुनना, अगली बार देखना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो माइनस, आपकी किधर से पढ़ रहे हो, इस साइड से, ये बताओ ये कौन है, ये जीरो, पीछे जाओगे तो कितना जीरो माइनस एच, यही तो लिखेंगे, और एच आज भी वही है, एच इज ग्रेटर देन जीरो एंड सफिशिएंटली स्मॉल, पर्याप्त रूप से छोटा है, ये बताओ दिस एफ ऑफ कितना था, एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू द जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, हाँ या ना, अब बोलो दिस इज इक्वल टू लिमिट h tending to the 0 minus, अरे अब 0 minus, अब तो केवल 0, और बोलो यहां अब की बार क्या कर रहे हो, 0 से कम, 0 से कम बोलो कितना x, यानी केवल और केवल बाहर कितना आएगा, कितना माइनस h, अंदर में क्या डाले माइनस h का, तो बाहर कितना आएगा माइनस h आएगा,
और बोलो लिमिट कितनी, जीरो। ये बताओ क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट आपस में बराबर आ गई, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? हाँ एग्जिस्ट करेगी। चलो लिखो, शुरुआत करो। तुम लोग जब इंटर का भूल गए ना, ये इंटर में ही पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में तो खाली इसको इसलिए रख दिया गया ना क्योंकि अपने को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा करनी है, अदरवाइज रहना ही नहीं था। यहाँ केवल एप्सिलॉन डेल्टा के नाम पर इसको रखा गया है। इतने तो भाई हम बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, वास्तविकता में इंटर में इससे ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाना। सो क्या हियर, लिखो हियर, LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इंप्लाइज दैट लिमिट x tending to the zero f of x exist and is zero। यहां मेरे दिए गए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट कैसी है? जीरो। बुरी आदतें हैं ये सब, यहां ये चीजें इंटर में जहां आपको सबसे ज्यादा बेस क्लियर करने की जरूरत है वहां आप बोखला कर दे रहे हो, ऊपर हम लोग कितना बेस क्लियर करेंगे, अपने भी हाथ बंधे हुए हैं, हम कर दें यूनिवर्सिटी टाइम दे दे, वो टाइम नहीं देती है। अपने कितने अपने ना पूरा IIT JEE मेंस की जो लिमिट होती ना पूरा एक तरफ से पढ़वा अगर टाइम मिल जाए तो, लेकिन मिलता ही नहीं, अब खाली बुला। अच्छा ये ना दो चीज हमको हमेशा खटकती है, दो चीज इंटर से पास आउट लड़के के पास दो कॉन्सेप्ट की कमी हमेशा होती है। पहला कॉन्सेप्ट फंक्शन बहुत जरूरी है, उसकी कमी हमेशा होती है, ठीक। दूसरा ये लिमिट वाला, अच्छा लिमिट की कमी है तो आगे मान लो दो कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी कमी आ गई ऑटोमेटिकली क्योंकि आप लिमिट में कमतर हो चुके, वास्तविकता में आप फंक्शन में कमजोर हो चुके सबसे पहले। खलती है ये सारी बातें, लेकिन मेरे खलने से क्या होता है, प्रॉब्लम यूज द फॉर्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो ए की एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 माइनस 1। ऊपर एक फार्मूला दिया है, इन्होंने आपको बता दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की एक्स माइनस 1/x, जब भी आपको ये नजर आए आप तुरंत इसकी वैल्यू लॉग ए बोल सकते हो, लॉग इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए लिमिट एक्स टेंडिंग टू द जीरो टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की होल पावर 1/2 माइनस वन, इसकी लिमिट को बताइए, इसकी लिमिट कितनी होगी, ये याद रखना। अगर आपसे कह रहा है ना कि आप किसी फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए, तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने दिए गए न्यूमेरिकल को खींच खांच करके उस फार्मूले तक पहुंचाओ। क्या अभी मेरा दिया गया न्यूमेरिकल इस फार्मूले में नजर आ रहा है? नहीं, अभी नहीं। सोचो ये लिखा क्या है, ये लिखा है, वर्डिंग सुनना मेरे साथ, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल माइनस वन अपॉन दैट वेरिएबल, यही तो लिखा है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल माइनस वन अपॉन दैट वेरिएबल। मेरे में क्या है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल माइनस वन अपॉन बहुत कुछ, जबकि हमको क्या चाहिए, दैट वेरिएबल चाहिए, तो इस बहुत कुछ को दैट वेरिएबल तक पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो शुरुआत करते हैं। एक ही रास्ता सॉल्यूशन लिखना, यहीं से शुरुआत करें, लिमिट x अप्रोचेस टू द जीरो टू की पावर x माइनस वन होल डिवाइडेड बाई वन प्लस x टू द होल पावर 1/2 माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द जीरो टू की पावर x माइनस वन, और इधर इनको देखने के बाद मुझको फील आता है जैसे मेले में बिछड़ा हुआ कोई भाई मिला है। हाँ बायनोमियल मेला कौन, जहां भीड़ रहे, जहां भीड़ रहे भाई, तो और इसमें भीड़ है, कितने टर्म आएंगे,
इनफाइनाइट 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब याद आ रहा है। कितने टर्म आते हैं उठाओ और पूरे का एक्सपेंशन लगा दो और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास, पूरे का एक्सपेंशन लगाओ। चलो बोलना डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस एन एक्स यानी 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स आया ना। अरे अब तो साथ साथ रहो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। बोलना एन कितना, अच्छा एन माइनस 1 कितना अपॉन फैक्टोरियल 2 और साथ में कितना एक्स स्क्वायर प्लस। दुनिया जाने क्या हो रहा है, छोड़ दिया आगे आगे लिखने कोई जरूरत ही नहीं ना। अच्छा फिर कितना बाहर माइनस। अच्छा ये बताओ क्या ये प्लस वन और क्या ये माइनस वन एक दूसरे के खिलाफ में है, खत्म बराबर। दिस इज इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू द जीरो। सुनो इधर मेरे साथ बने रहो, सुनो कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल माइनस वन अपॉन दैट वेरिएबल, हाँ या ना ठीक। तो एक काम करो क्या इसमें पूरे में से अब एक्स को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, सोचो अपने पास बन रहा है टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन x को कॉमन ब्रैकेट के अंदर में बोल यहां क्या बना 1 अपॉन 2 इधर कहा देखना प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इधर कितना x प्लस क्या लिख सकते हैं कि नहीं। और सोचो इस पूरे हिस्से को अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल कोई लिखेगा ना, इधर देखते रहो इधर इधर लिमिट साथ में लिखने वाली आदत अभी धीमे धीमे छोड़ो। x अप्रोचेस टू द 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू द 0 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 x प्लस अप टू सो ऑन। आगे सारे फैक्टर x के ही होते कि नहीं आप ये बताओ। इतना देखो इतना क्या तुमको ये कुछ जाना पहचाना लगा, क्या होगी इसकी लिमिट log दिस इज इक्वल टू log 2 into जरा कोई में x बराबर 0 पुट करो 1 अपॉन 1 अपॉन 2 पलट के कितना हुआ 2 into 2 दिस इज इक्वल टू 2 log 2 और बराबर कितना log लिमिट आ गई कि नहीं, क्या उसी का इस्तेमाल करके आई हुई है। अब नोट कर लो अब नोट कर। If function fx बराबर a to the power minus 1 upon x, show that, दिखाइए कि, show that, at x is equal to 0, at x is equal to 0, the right hand limit is 0, while, जबकि, while, the left hand limit is left hand limit is plus infinity and thus there is no limit and hence there is no limit of the function at x is equal to 0। नोट करो ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक फंक्शन दिया fx is equal to e की पावर माइनस 1 अपॉन x। आप ये दिखाइए कि जब at x is equal to 0 होगा मतलब x approaches to the 0 होगा तो x approaches to 0 पर राइट हैंड लिमिट जो आपकी निकल करके आएगी वो कितनी आएगी 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी इनफिनिटी। ऑब्वियस बात है आप खुद ही कह रहे हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपस में बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर नहीं तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं। तो देयर इज नो लिमिट फॉर द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेस टू द 0। चलो कुल मिलाकर टास्क ये है कि मुझको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है। शुरुआत करें लिखना सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू द पहले क्या निकालें राइट हैंड का मतलब राइट साइड से आना यानी 0 प्लस f of x is equal to limit h tending to the 0
एफ ऑफ जीरो प्लस एच दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू द जीरो एफ ऑफ किस पर है at x is equal to 0 the right hand limit is the 0 while left hand limit is the plus extending to 0 अरे सुनो ये जो वर्डिंग लिखी जाती है ना शो दैट ऐसा शो दैट व्हेन x अप्रोचेस टू द 0 और चाहे इसी को लिखो शो दैट लिमिट एट x is equal to 0 ये दोनों बातें सेम होती है वो आपसे क्या आगे वर्डिंग देखना क्या लिखा है लिमिट एट x इज इक्वल टू x बराबर 0 पर फंक्शन की लिमिट कितनी है तो सोचो x बराबर 0 पर फंक्शन की लिमिट मांग रहा है वैल्यू नहीं मांग रहा तो x बराबर 0 पर जब लिमिट निकालनी होगी ना तो आपके पास एक ही रास्ता है अप्रोच करना बस तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करो बराबर आया तो वैल्यू एट पॉइंट एग्जिस्ट करती है वैल्यू एट दैट सॉरी वैल्यू करें लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट करती है तो यहां चाहे x बराबर 0 लिखो और सोचो आगे क्या लिखा शो दैट एट x इज इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट इज 0 इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है लिमिट की तो आप x बराबर 0 का मतलब क्या समझोगे x अप्रोचेस टू द 0 क्लियर हुआ ये वर्डिंग की बात है बस खाली लोग वर्डिंग लिखते हैं अलग अलग मतलब उनके एक ही होते हैं क्लियर हुआ फिर भी किसी कंफ्यूजन है अप्रोचेस टू लिख सकता है मेरी नहीं है हमको लिखना हमेशा अप्रोचेस हमको लिखना बस खाली हमको लिखना नहीं है किताब लिख रही है तो हम किताब की भाषा चल रहे हैं अच्छा सुनो चलो वापस आते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0 बोलो f ऑफ h अरे f ऑफ h बोलो क्या रखें e टू द पावर माइनस 1 अपॉन यही रखेंगे अच्छा क्या इसको ये नहीं सकते लिमिट h टेंडिंग टू द 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h आ गया ना फिर याद करो ये बताओ h 0 नहीं है अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ मतलब h छोटा होता जा रहा है जितना h छोटा होता जाएगा 1 अपॉन h उतना बड़ा होता जाएगा हाँ या ना ये बताओ 1 अपॉन h गौर करना 1 अपॉन h इंक्रीज करता जा रहा है तो इसका मतलब e की पावर 1 अपॉन h क्या ये भी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा करेगा नीचे की क्वांटिटी भाग रही है किसकी तरफ इंफिनिटी की तरफ तो इसका मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी किसकी तरफ बढ़ रहा है 0 की तरफ क्लियर हुआ यानी हम लोग इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी बराबर कितना बोलो ये कौन सी लिमिट है राइट हैंड दिस इज इक्वल टू r h राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ चुकी है 0 अब लेफ्ट हैंड लिमिट का चक्कर और पालना है पहले इतना लिख लो तब आगे चलें ये ना ये कुछ चीजें होती हैं जो आदमी कॉमन जिंदगी में इस्तेमाल करते करते अभ्यस्त हो जाता है हमने ये लिखा ऐसा जैसे हम लोग ना लिमिट के चक्कर में एक बार ये लिखते थे याद करो इंटरमीडिएट में खूब लिखते हैं खूब लिमिट x टेंडिंग टू द पाई बाई 2 याद आ रहा है साइन पाई बाई 2 बटे कॉस पाई बाई 3 अरे साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखते थे और वहां इंटर में अपने सिखाया जाता है भट्ट जो मारते थे इसको साइन पाई बाई 2 बटे कॉस पाई बाई 2 और बोल देते थे 1 अपॉन 0 उधर हमको दिमाग में भर दिया जाता था क्या साइन अपॉन कॉस 10 होता है और 10 90 इंफिनिटी सही भरते थे गलत ये भरते थे ये गलत भरते थे जिस दिन आप 1 अपॉन 0 लिखते हो ना ये क्वांटिटी क्या बन जाती है तो आप इसको ये नहीं लिख सकते हो आपको हमेशा अप्रोच लिखना चाहिए इसको हमेशा ये लिखना ही गलत है 1 अपॉन 0 लिख दिए ना तब तो इसका मतलब डिफाइंड हो गया 0 से भाग डिफाइंड हो गया इस दुनिया में 0 से डिवाइड लगाना डिफाइंड नहीं हो सकता है तो ये जो हुआ ना x अप्रोचेस टू इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए sin x अपॉन x ऐसा ही रहने और उसके बाद लिखना चाहिए इसको सीधे सीधे tan लिखना चाहिए tan x और यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू द पाई बाय अब सोचो x 90 डिग्री है नहीं 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है जरा ग्राफ देखना x
बढ़ रहा है, किसकी ग्राफ 90 की तरफ। सोचो जिस वक्त x 90 की तरफ बढ़ रहा है, tan का ग्राफ देखना, tan का ग्राफ यही होता है कि नहीं, 45 पर कितना होता है, tan pi by 4 1 होता है। देखो 45 पर यहां 1, 45 के आगे जैसे जैसे चल रहा बढ़ रहा है, ठीक, क्या इस लाइन को टच कर गया, नहीं, लेकिन ये x अप्रोच कर रहा है पाई की तरफ, कहां पाई बाय 2 की तरफ, तो ये भी अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, इनफिनिटी की तरफ, प्लस टच नहीं किया, कहीं पर भी टच नहीं किया, इसीलिए ये लाइन कौन सी, ये लाइन कौन होगी, कोई बोलेगा ये लाइन कौन है, x बराबर पाई बाय 2, ये इस दिए गए इस ब्रांच के लिए एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है, एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शी, ये इस ब्रांच के लिए एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है। तो सोचो आज की तारीख में x बराबर पाई बाय 2 नहीं भरा गया है, ये बिहेवियर है कि जिस दिन आपका एंगल 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है उस दिन tan का ग्राफ किधर बढ़ता है, इनफिनिटी की तरफ, यानी tan का फंक्शन किधर जाता है, इनफिनिटी, तब हम लोग बोलते हैं tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफिनिटी, उसको हमने कॉमन बिहेवियर में ले लिया, कि हम लोगों ने कह दिया कि जब जब एंगल 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है तो मेरा ग्राफ किधर चल रहा है, इनफिनिटी की तरफ, यानी मेरी वैल्यू किधर जा रही है, इनफिनिटी, तो tan 90 कितना हुआ, इनफिनिटी। अब उसको कई लोग बड़े भक्त ने उठा करके रखना चालू करवा दिए, sin 90 बटे cos 90, आम जिंदगी में जो चीजें आ जाती है ना, तो अगर आप एक झूठ भी बार 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 बोल रहे हो ना, वो लोगों को सही लगने लगता है, और अब इसके आधार पे टीचर स्मार्टनेस खेलता है, कहता है 1/0 इनफिनिटी रखा था, और 1/0 इनफिनिटी रखा तो अनडिफाइंड क्यों रखा, असल में वो उल्लूपंथी का काम कर रहा है टीचर, अगर ये बात कहे तो उल्लूपंथी का काम, ये आपने ही तो हमको सिखाया कि 1/0 बराबर इनफिनिटी होता है, जबकि अगर आप हमको अप्रोच सिखाते तो हम इस बात को ना कर रहे होते, तो ये नहीं है, बस इतने पर ही बोल दिया जाता है, इतने पर approaches to tan और tan approaches to the infinity, तो इसीलिए वो 1/0 रखा, लेकिन फिर भी ना, अब जान लो इतनी आदत पड़ चुकी है, इतनी आदत पड़ चुकी है, छोड़ते 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 छोड़े हैं, नहीं तो हम भी उसी परिपाटी का हिस्सा है, सीधे रखे बोल दो कितना infinity। आओ चलो फिर वापस ये निकाल दिया ना, अब आरी किसकी, लेफ्ट हैंड की, चलो लेफ्ट हैंड निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL सिंबल याद रखो, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब ना एफ ऑफ 0 माइनस 0 भी होता है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन फिर भी तुम लोग ना ही याद रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, बोलो h टेंडिंग टू द 0 f of 0 minus h is equal to limit h tending to the 0, मेरी तरफ आओ, क्या ये f of minus h रखा गया है, नहीं, f of x में x की जगह minus h रखो, रखो minus h, तो minus minus plus, वास्तविकता में this is equal to limit h tending to the 0 e to the power 1 upon नेगेटिव साइन हट गया, और नेगेटिव साइन हट गया तो क्या अब आप इसको 1/2 लिखने का जोखिम उठाओगे, नहीं, अब बोलना जब जब x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, मतलब x घट रहा है 1/h बढ़ रहा है, और 1/h बढ़ रहा है किसकी तरफ, इनफिनिटी की तरफ, तो e की पावर इनफिनिटी बना कि नहीं, और बराबर कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, इनफिनिटी, और राइट हैंड कितनी आई थी, 0, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नोट करो फिर अगला करवाएंगे, हो जाए तो बताना, जगह ही बची रहे, जिंदगी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है उसी जगह का, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्वेश्चन भी लिखेंगे तो घर वाले भी सवाल पूछते हैं, कुछ कर पाओगे जिंदगी में, गणित भी सवाल पूछता है, हमको लगा पाओगे, हर तरफ से फंसे हैं, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट गिव एन एग्जांपल टू शो दैट लिमिट x approaches to the a f of x may exist
may exist even when the function is not defined, even when the function is not defined, for x is equal to a. ये कह रहे ना, हमको एक एग्जांपल दीजिए, एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल दीजिए कि उस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करे. लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट आए और दोनों आपस में कैसे आए. बराबर कह रहे हैं आप हमको एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल दीजिए जिसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करे, वो अलग बात है. लिमिट किस पर एग्जिस्ट करा रहे हैं, ए पर. लेकिन कह रहे हैं एट दैट पॉइंट ए पर फंक्शन डिफाइंड ना हो. ये भी कह रहे हैं कि फंक्शन एट दैट पॉइंट पर डिफाइंड ना हो चलेगा, लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. मुझको एक ऐसा एग्जांपल थमा दीजिए. क्लियर हुआ ये पूछा क्या पता है? ठीक, आप सुन लो, बहुत इजी, बहुत इजी. ये देखना, हम लोग एक पढ़े हुए हैं, बहुत आसान सा हम लोग एक पढ़े हुए हैं. याद आया ना ये फंक्शन? सोचो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर इसका हाल क्या है. जनरल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर कितना, जीरो अपॉन जीरो. क्या डिफाइंड हुआ? नहीं हुआ. लेकिन सोचो अगर इसकी लिमिट निकालने जाए तो लिमिट डिफाइंड हो जाएगी. गौर करना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए कितना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए. हम लोग तुरंत बोलते हैं टू ए. पहले काट के इसको मचाओ, ये और ये खत्म, बराबर कितना क्लियर हुआ. अरे प्रोसेस कंसेंट्रेटिव बनो ना, प्रोसेस वाला पहले हिस्सा निपटाओ उसके बाद यहां तक पहुंचो, नहीं पता चलेगा बीच रास्ते में बिदक गए. लिमिट कितनी आई? टू. लेकिन क्या फंक्शन एट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए डिफाइंड हुआ? नहीं हुआ. बस यही एग्जांपल है, लिख देना. ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है. लिखना, टेक एफ एक्स इज इक्वल टू, टेक एफ एक्स इज इक्वल टू ये, टेक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए. टेक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए. लिमिट के साथ मत लिखना, पहले ये लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू. ठीक, क्लियरली इट इज नॉट डिफाइंड, at x is equal to a. Clearly it is not defined at x is equal to a. स्पष्ट है ये फंक्शन x बराबर a पर डिफाइंड नहीं है. बट लिमिट x टेंडिंग टू द a f of x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू द a x square minus a square upon x minus a is equal to limit x tending to the a x minus a x plus a upon x minus a. ये और ये cancel out, that is equal to 2. Exist, आगे लिख देना exist. At that point पर function defined नहीं हुआ, लेकिन limit क्या कर रही, exist कर रही. नोट करना चाहते हैं, बस सुनो, दो न्यूमेरिकल और करवा रहे हैं. ठीक है, दो न्यूमेरिकल और करवा के हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यूटी की दुनिया. ठीक, अभी अपने पास टाइम कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना 1:30 हो रहा है, ढाई तक है, तब पानी पीने की छुट्टी नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे. अरे डेढ़ घंटा तुम लोग 20 मिनट पानी पीते हो, तुम लोग बहुत दुष्ट हो ना. 20 मिनट पानी पीते हो, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, दे रहे हैं मतलब दे नहीं रहे, 10 मिनट का टाइम देते हैं, गलत निकल गई भावना ना. 10 मिनट का टाइम देते हैं, 20 मिनट पानी पीते हो. 10 मिनट ऐसे लगता ना पानी पिए और 10 मिनट पानी ऐसे ऐसे पेट में जाके तो अंदर जाओ अंदर. किस पे? 5 मिनट. कौन सा पक्का? सोच लो 20 मिनट अगर लेट हुए ना, विपिन से क्लास 4 बजे करवा लेंगे, फिर गए काम से. 10 का मतलब 10, 10 मिनट में पानी पी करके आओगे? दस मिनट में पानी पी करके आओ. ठीक है, 10 मिनट में आओ, सिंपल मेरे कहने कर लोगे, 10 मिनट में पानी पी करके आओ.
अब बैठे तो भाव चलती है।